टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले एक गुड न्यूज मिली है। चोट की वजह से बाहर हुए टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को बुमराह की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के चयन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के सचिव जय शाह के मुताबिक शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गए हैं और वो वर्ल्ड कप में इंडिया के वार्म अप मैचों से पहले टीम के साथ जुड़ भी जाएंगे। मोहम्मद शमी चोटिल होने की वजह से पिछले कुछ महीनों से टीम से बाहर चल रहे थे। बीसीसीआई ने दो तेज गेंदबाजों को बैकअप के रूप में भी रखने की घोषणा की है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को रिजर्व के रूप में रखा गया है और वो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। विश्व कप में इंडिया को अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। नजरें जहां तक जा रही हैं, वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी के शुरुआत की दस्तक दे दी है। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं। पहाड़ों पर पसरी ये बर्फ की चादर 17,000 फीट की ऊंचाई पर बसे भारत की आखिरी चौकी की है। तस्वीरों में भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले दारमा और व्यास वैली में 3 से 5 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई थी। बर्फबारी की वजह से यहां का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दारमा और व्यास वैली में हुई बर्फबारी के कारण यहां के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सूरत के कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर की हैं। मैरून टी शर्ट पहने जिस बच्चे को आप वीडियो में देख रहे हैं, इनकी उम्र मात्र 12 साल है और इसका नाम है राजा ज्ञानचंद राय। ज्ञानचंद बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है। 5 अक्टूबर को ज्ञानचंद अपनी मां के साथ पूर्णिया में मेले में घूमने गया था। मेले की भीड़ में वो अपनी मां से बिछड़ गया। परिवार वालों ने ज्ञानचंद को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हार कर परिवार वालों ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी बीच ज्ञानचंद भटकता भटकता ट्रेन के जरिए सूरत रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ज्ञानचंद ने फोन के जरिए अपने परिवार वालों से संपर्क किया। फोन नंबर के लोकेशन की जानकारी होते ही बिहार पुलिस ने गुजरात पुलिस से बच्चे की गुमशुदगी की बात बताई। उसके बाद सूरत पुलिस ने फौरन ज्ञानचंद को अपनी कस्टडी में ले लिया। बिहार पुलिस यहां आ गई है, इसके परिवार के सदस्य भी यहां आ गए हैं। बच्चे को सौंप दिया गया है। इस तरह से बच्चे के साथ परिवार का सुखद पुनर्मिलन हुआ है। शुक्रवार को बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खास उपलब्धि हासिल हुई। यहां पहली बार दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान A380 की लैंडिंग हुई। अमीरात एयरलाइंस के विशाल विमान ने शुक्रवार की दोपहर दुबई से उड़ान भरी और शाम 3:40 पर बेंगलुरु में लैंडिंग की। इस ऐतिहासिक मौके पर जंबो जेट का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के सैकड़ों कर्मचारी वहां मौजूद थे। 70 कारों के पार्किंग एरिया के बराबर के आकार वाले ये विमान कई खासियतों को समेटे हुए है। ये विशाल यात्री विमान डबल डेकर है और इसमें 500 से ज्यादा मुसाफिर एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इस विमान में हर तरह की सुविधा और मनोरंजन के इंतजाम मौजूद हैं। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ विमान के निचले तल पर प्लेन के क्रू मेंबर्स के आराम के लिए बिस्तर भी मौजूद है। अक्टूबर यानी करवा चौथ वाले दिन देश भर में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बिका है। यानी 2 साल बाद जब करवा चौथ की रौनक लौटी तो उसके साथ ही सोने की डिमांड और सेल भी पीक पर पहुंच गई। 2021 में करवा चौथ के दिन करीब 2200 करोड़ रुपए का सोना बिका था, लेकिन इस बार की करवा चौथ पर यह आंकड़ा बढ़कर 3,000 करोड़ को पार कर गया है। कमाल की बात यह है कि इस करवा चौथ पर पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमत में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यानी पिछले साल करवा चौथ के मुकाबले इस बार सोना 3400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। दरअसल कोरोना के चलते 2020 और 21 में करवा चौथ पर देश भर के सर्राफा बाजारों में सुस्ती रही थी, लेकिन इस बार कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां हटने के चलते न केवल त्योहार अपने पूरे रंग में लौटा बल्कि कई दिनों पहले से ही बाजारों में जबरदस्त खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया।
इस दौरान लोगों ने सोने और चांदी के गहनों की भी जमकर खरीदारी की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि वोटों की काउंटिंग और नतीजों के ऐलान के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की गई है। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October. हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव आयोग ने सभी वर्गों की सहूलियत का ख्याल रखा है। इस बार 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर घर बैठे पेपर बैलेट से वोट डाल सकेंगे। साथ ही पोलिंग बूथ पर दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बार चुनाव आयोग ने युवा वोटर्स को भी खास तवज्जो दी है। अब युवाओं को मतदाता के रूप में नामांकन के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे। मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए वो 4 बार अप्लाई कर सकेंगे। 17 साल से अधिक उम्र के युवाओं के लिए भी अग्रिम आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। सेना के जवानों ने अपने पराक्रम का परिचय हर बार दिया है। इनके इसी त्याग और बलिदान को देखते हुए सरकार की ओर से मां भारती के सुपूत नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये तस्वीरें उसी वेबसाइट लॉन्चिंग कार्यक्रम की हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये वेबसाइट शुरू की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख और सेना के दूसरे बड़े अफसरों समेत कई मशहूर हस्तियां मौजूद रही। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी इस पर विजिट करके शहीद या जख्मी जवानों की मदद के लिए आगे आ सकता है। जिस तरह हमारी सुरक्षा का दायित्व तो हमारे सैनिकों पर है, उसी तरह उनके और उनके आश्रितों का उत्तरदायित्व हम सबके ऊपर है। वैसे तो सरकार की ओर से शहीद और जख्मी जवानों के परिवारों की मदद के लिए कई स्कीमें लॉन्च की गई हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की इस पहल से देश का कोई भी नागरिक अपनी क्षमता के मुताबिक इन जवानों की मदद कर